नमस्कार, लीगल पॉइंट के एक और शो के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। हर किसी का सपना होता है उसका अपना एक घर हो, आशियाना हो, लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पर हो रही लूट और प्रॉपर्टी डीलर्स की धोखाधड़ी के चलते एक छोटी सी चूक आपकी जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई डुबो देती है। कानून की जानकारी न होने के चलते आराम से आपके खून पसीने की कमाई को सौदेबाज हड़प ले सकते हैं। लीगल पॉइंट में आज बात जमीन मामले में होने वाली धोखाधड़ी की करेंगे। तो जमीन विवाद से जुड़े कई मामलों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ऐसे में हरियाणा न्यूज पर भिवानी के राकेश ने अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया। भिवानी के राकेश की जमीन के पेपर पर धोखे से हस्ताक्षर करवाकर जमीन हड़प ली गई। अक्सर आपने देखा होगा कि जमीन विवाद में भाई भाई का कत्ल करने से भी नहीं चूकता। इसके साथ ही कई सारे विवाद भी जमीन से जुड़े हैं। ऐसे में अपनी जमीन से जुड़े किसी भी विवाद को शुरू होने से पहले ही खत्म करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें और अपने अधिकारों की जानकारी रखें। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले उस अनुबंध को अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है, ताकि आपके साथ भी वो ना हो जो भिवानी के राकेश के साथ हुआ। राकेश भिवानी में रहते हैं। राकेश मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। राकेश से एक वकील और रिश्तेदार ने धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए और धोखे से साइन करवा कर राकेश की जमीन को हड़प लिया गया। जो आज राकेश के साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे में किसी भी शपथ पत्र को पहले सावधानी से पूरा पढ़ें। एफिडेविट में कोई कुछ भी लिख सकता है। करोड़ों की जमीन मकान के अनुबंध भी हो सकते हैं। लाइसेंस वाहन पंजीकरण में फर्जी नाम पते दिए जा सकते हैं। अवैध तरीके से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किए जा सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो किसी वकील से सलाह लेने के बाद ही साइन करें। इसके साथ ही भारतीय कानून में जमीनी विवाद से जुड़े दोषियों का मामला फौजदारी में आता है। दोषी को 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है। दोषियों पर जुर्माना भी लग सकता है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए जरूरत है अपने अधिकार और जमीन सौदे की पूरी जानकारी होने की, ताकि आपकी जमीन कोई हड़प ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो जमीन और प्रॉपर्टी के मामले से जुड़े हुए जो कानून हैं और उन कानूनों में क्या प्रावधान है, ये समझने जानने की कोशिश करेंगे। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसको भी समझने जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र शौराण जी अधिवक्ता हैं, वकील हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। सुरेंद्र जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बात बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि जमीन के मामलों में धोखाधड़ी हो जाती है। अगर हम इन्हें जो ये रिपोर्ट दिखा, इसमें जैसे राकेश नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, उनसे धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए गए, उस केस में क्या हो सकता है, वो आपसे पास आऊंगा। लेकिन पहले सिरसा से पवन है हमारे साथ। पवन जी बोलिए। जी पवन जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने एक प्लॉट खरीदा था सन 2012 में। मेरे पीछे एक मकान बना हुआ है 30x30 का। पहले ये प्लॉट सारा 30x60 का था। तो आधे में मकान बने को हो गए 15 साल। आधा प्लॉट मैंने सन 2012 में खरीदा, तो उसके साथ में एक लगता प्लॉट था 15x60 का। तो उन्होंने मेरे पे केस कर रखा है। अभी इसमें हमारी थोड़ी सी जगह आती हैगी भी, करीबन करीबन बता रहे हैं 15 फुट भी मेरा आधा प्लॉट जाता हैगा। और पहले जब मैंने प्लॉट खरीदा था तो सन 2004 में उन्होंने डिमार्केशन करवा रखी थी निशानदेही। जिस पार्टी ने मेरे पे केस किया उन्हीं ने निशानदेही करवाई थी।
और उसके हिसाब से मेरा प्लॉट सही हैगा। और जब मैं बनाने के लिए तैयार हुआ सन 2013 में, तो उन्होंने डिमार्केशन दोबारा करवा लेगी उसी पार्टी ने, ठीक है। और उसमें उन्होंने मेरे प्लॉट में 15 फुट जगह भी मांगते हैं, अभी मेरी जगह आती है। और उन्होंने मेरे पे 3 साल हो गए केस कर रखा हैगा, और निशानदेही में एक ही आदमी करवाने वाला है, और जो एक कानगो साहब है बलवंत सिंह जी, दोनों डिमार्केशन में उनके साइन है, वो उनका रिश्तेदार है। ठीक है ठीक है। शिरन साहब, पवन जी, पहले तो ये कि डिमार्केशन जिस आदमी ने करवाई थी और उनके डिमार्केशन पे साइन भी होंगे, मेजरमेंट के बाद जो डिमार्केशन करवाते हैं वहाँ हाजिर लोग होते हैं, उनके साइन करवाए जाते हैं, उनके साइन डिमार्केशन पे हैं, और वो डिमार्केशन के बाद वो हिस्सा आपने परचेज किया है, तो आप इसमें ये जो डिमार्केशन की अप्लीकेशन लगा रखी है इस पे आप स्टे ले सकते हैं, और ये प्रूव कर सकते हैं कि इसका ऑलरेडी डिमार्केशन हो चुका, और ये आदमी आपको परेशान करने के लिए डिमार्केशन के बहाने उसकी अप्लीकेशन लगा के और आपको परेशान करने के लिए ये डिमार्केशन की अप्लीकेशन उन्होंने लगा रखी है, ये आप कोर्ट में साबित करें, कोर्ट में इस पे स्टे ले लें पवन जी आप, और देखना होगा जिस टाइम आपने परचेज की है तो जिस आदमी से लैंड परचेज की है, प्लॉट परचेज की है, उसका मालिकाना हक तो पवन जी आपने देखा होगा उस पे। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तब पवन जी की का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुरेंद्र जी, ऐसे केसेस में कितने चांसेस होते हैं कि हम जानते हैं कि वो परेशान करने के लिए किया गया है केस, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए और कितने चांसेस होते हैं कि आपको राहत मिल जाएगी? डेफिनेटली जैसे गौरव जी, ये केस था पार्टिकुलर, इसमें उन्होंने बताया कि ऑलरेडी डिमार्केशन हो चुका है, और जब इन्होंने खरीद लिया और उस पे ये बनाने लगे तो इनको परेशान करने के लिए उसने दोबारा से डिमार्केशन की एप्लीकेशन लगा दी, उस एप्लीकेशन पे स्टे लिया जा सकता है। लेकिन पहले उनको ये करना चाहिए इसमें कि जो प्लॉट खरीद रहे हैं उसका मालिकाना हक उसका देखना चाहिए, और एक ड्यू डिलीजेंस होती है, किसी वकील से उसकी सर्च रिपोर्ट बनवानी चाहिए, सर्च रिपोर्ट में वकील उस प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस करके एक रिपोर्ट बनाता है कि ये प्रॉपर्टी इस आदमी की है, ये इनका मालिक है, और ये ठीक मालिक से ठीक प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, हमारे लोगों को पता नहीं होता, और वो बिना ड्यू डिलीजेंस के, बिना सर्च रिपोर्ट के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो इस फ्रॉड से बचने के लिए वकील के माध्यम से एक सर्च रिपोर्ट उस प्रॉपर्टी की जरूर बनवानी चाहिए। ठीक है, वर्षा जैन जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। वर्षा जी, अपना सवाल पूछिए। वर्षा जी, आवाज मिल रही है आपको? पवन बोल रहा हूँ जी। पवन जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वर्षा जी है क्या हमारे साथ फोन लाइन पे? हाँ जी। हाँ पूछिए मैम। उनके पैसे बांट लिए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री करवा, इसमें क्या हो सकता है? एक बार प्रश्न दोहराइए। मम्मी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उनके पैसे बांट लिए गए, उनकी रजिस्ट्री करवा के, और उनको पैसे नहीं मिले, उसमें क्या हो सकता है? हमें धमकियां मिली थी। वर्षा जी, आप ये बता रही हैं कि आपकी मम्मी की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया और उसके जो पैसे आए वो आप लोगों ने बांट लिए। वर्षा जी, आप सुन रहे हैं हमें? लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। वर्षा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी। हाँ वर्षा जी, आप ये बता रहे हैं कि आपकी मम्मी की प्रॉपर्टी थी? हाँ जी। और वो मम्मी ने प्रॉपर्टी बेच दी, वो मम्मी ने बेची है या आप लोगों ने बेची है? चलिए, लगता है वर्षा जी हमें प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रही है। सर, एक बात बताइए कि, अच्छा चलिए, सोनू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। सोनू जी बोलिए। सोनू जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, बोलिए सोनू जी। ये जी, मेरा जो सरकारी इंदिरा आवास योजना के तहत 1970 में प्लाट कटे थे जी, तो मेरे से पीछे जो प्लाट है मेरे साइड में, उसने अपनी गली को घेर के और तो गांव वाले से जमीन लेकर मौलूस गांव गली को अपने अंदर ले लिया। तो मैंने डीसी साहब से इसकी शिकायत की, सीएम बिल्डर में शिकायत की, तो प्रशासन ने पैमाश करके उसका कब्जा वहां से हटवा दिया। ठीक।
तो उसने हटवाने के बावजूद फिर गली के बीच में गेट लगा लिया। तो मैंने फिर सीएम को दरखास्त लगाई तो उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया कि ये पावरफुल आदमी है, गर्म दमाग का आदमी है, ना जाके मेरे को तंग कर रहा है और ये इस गली को कब्जाना था, तो उसने हमारे ऊपर झूठा केस डाल दिया जी। ठीक है, तो इसके बारे में मेरा केस चला हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो जी आपको जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सोनू जी, ये झूठी कंप्लेंट करने से उनकी कंप्लेंट सस्टेन नहीं करेगी, उनकी कंप्लेंट चल नहीं पाएगी। यदि आपकी बात में सच्चाई है और दम है तो आपने बहुत अच्छा किया, सीएम विंडो पे डाल दिया। सीएम विंडो पे पूरी निश्चित रूप से पूरी इंक्वायरी होती है और दोषी को सजा दिलवाई जाती है और जिसका हक है उसको हक दिलवाया जाता है। ये मुख्यमंत्री हरियाणा ने बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है सीएम विंडो पे, और ये उच्च अधिकारियों को ये कंप्लेंट जाती हैं और वहाँ पे वो इनको मॉनिटर करते हैं और इसमें वो जरूर आपको न्याय दिलाएंगे। और झूठी कंप्लेंट उनकी चल नहीं पाएगी, वो कोशिशें कर रहे हैं आपको डराने की, आपको दबाने की, लेकिन आपको जरा भी इसमें हिचकने और डरने की जरूरत नहीं है और न्याय के लिए आपको लड़ाई करनी है। चलिए, सुरेश है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, सुनाई दे रही। पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं इधर मेवात से बिलोंग करता हूँ, गांव मूलथा में जी। तो हमारे वहाँ पर कस्टोडियन की कुछ जगह थी, वो पंचायत में नीलामी कर दी। ठीक है। वो करीब 1.25 किला जमीन थी, उस जमीन की बार 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 वो कई दफा तहसीलदार और कानूगो जो होते हैं वो कई दफा उसकी वो डिमार्गेशन करके आए हैं, लेकिन बार बार जब जब डिमार्गेशन होती है तब तब वो किसी किसी और की जगह में वो नापतोली जाते हैं। इसमें क्या हो सकता है सर? इसमें डिमार्केशन का एक पॉइंट लेना होता है, वो जो है वहां पे डिमार्केशन का तरीका है कि एक सीमा से डिमार्केशन शुरू की जाती है। जैसे कोई लैंडमार्क ऐसा है, रेलवे लाइन है या पुराने लाल पत्थर दबे हुए हैं, वहाँ से या तो लाल पत्थर से उसकी डिमार्केशन शुरू होनी चाहिए या किसी रेलवे लाइन से शुरू होनी चाहिए या किसी सरहद से डिमार्केशन शुरू होनी चाहिए। मुझे लगता है ये डिमार्केशन की जो शुरुआत करते हैं वो गलत ढंग से करते हैं। बीच में डिमार्केशन की शुरुआत करेंगे तो वो पैमाइश ठीक नहीं हो पाएगी, तो इसकी डिमार्केशन ठीक करवानी चाहिए। ठीक है, डिमार्केशन की बार बार बात हो रही है सुरेंद्र जी, ये डिमार्केशन होता क्या है और इसको कैसे, जब हम जमीन खरीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं उस वक्त इसकी क्या मतलब, हम इसको कैसे समझें? डिमार्केशन गौरव जी, जहाँ साझे की प्रॉपर्टियाँ होती हैं या आसपास की प्रॉपर्टियाँ होती हैं उनमें बाउंड्री वाल नहीं कर रखी है, वो प्रॉपर्टी वैसी ही पड़ी है, उन पर एक सिम्बोलिक कब्जा होता है उनका, तो जब भी उसमें कोई दीवार बनाता है या मकान बनाता है तो वो पहले डिमार्केशन करवाएगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि उसकी लैंड यहाँ तक है या उसका प्लॉट यहाँ तक है। इसके लिए जो है अधिकारी के पास, जो उसके अथोराइज अधिकारी है उसके पास एप्लीकेशन लगाएंगे और वो डिमार्केशन करके जाएंगे। जैसे हुड्डा के प्लॉट के लिए, मान लो हुड्डा का कोई प्लॉट अलॉट हुआ है और वहाँ प्लॉटों में डिमार्केशन नहीं है तो हुड्डा ऑफिस में एप्लीकेशन लगाएंगे तो जेई आके डिमार्केशन करके जाएगा। इसी तरह यदि एग्रीकल्चर लैंड है या गाँव में लैंड है तो वो पटवारी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ डिमार्केशन की एप्लीकेशन लगाएंगे, वहाँ पे पटवारी आके डिमार्केशन करके जाएगा। ठीक है, सुमित्रा जी है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। सुमित्रा जी बोलिए बोलिए। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, मान लीजिए कोई एक घर है या एक प्रॉपर्टी है, उसमें तीन हिस्सेदार हैं, उसके तीन हिस्से बट गए, उन्होंने आपस में बांट लिया और उसके बाद मान लीजिए एक साइड है जो बना हुआ है और एक साइड है जो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, तो वो जिसके हिस्से में आया, मान लीजिए ये आपसी सहमति से हुआ कि भाई आप हमें इतना पैसा दे देंगे बने हुए घर के बदले, और वो बहुत दिनों तक वो नहीं दे, उस केस में क्या कर सकते हैं? गौरव जी, जब ये फैमिली सेटलमेंट होता है, ये बंटवारा होता है, तो उनको फैमिली सेटलमेंट को लिखवा लेना चाहिए। लिखवाने से ये हो जाता है, एक एविडेंस, एक प्रूफ क्रिएट हो जाता है कि जी इस प्लॉट को, इस मकान को ऐसे बांटा गया है कि बना हुआ हिस्सा इस आदमी को दिया गया है, खाली हिस्सा इस आदमी को दिया गया है और बने हुए हिस्से का इतना पैसा ये आदमी इसको देगा। तो ये एक रिटर्न सेटलमेंट लिखवा लेना चाहिए और उस सेटलमेंट को, फैमिली सेटलमेंट को रजिस्टर करवा देना चाहिए। रजिस्टर करवाने के बाद यदि वो व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो सूट फॉर रिकवरी उसमें डाल सकते हैं कि मुझे इतना पैसा दिलवाया जाए, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डाल सकते हैं।
ये डाल के उनसे पैसे की रिकवरी की जा सकती है गौरव जी। ठीक है, उसमें कितना वक्त लगता है? वक्त किसी भी सिविल केस में गौरव जी मान के चलें करीब 2 से 3 साल लग जाते हैं। 2 से 3 साल लग जाएंगे। और ये भी होता है कि केस डालने के बाद कई बार बीच में समझौते हो जाते हैं, 4-6 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, ये बीच में समझौते भी हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि दूसरा व्यक्ति कोर्ट चला गया और आज मैं नहीं करूंगा तो कल कोर्ट न्याय कर देगा, तो वो पहले समझौता कर लेते हैं, तो जल्दी भी निपट जाता है। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक का यहाँ वक्त है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी के खेल में और क्या क्या खेल हो जाते हैं। छोटा सा ब्रेक। हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MTK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MTK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, Mr. खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नो मन्नो का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज,
स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन ऑपोजिट पटौदी रोड पुलिस चौकी गुड़गांव। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT. लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुरेंद्र शिवराण जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जो जानना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी विवाद में भी बहुत तरह की चीज़ें, जैसे हम और आप ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता था पहले, और आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि अब ऐसे मामले जो हैं उनमें जल्दी निपटारा। क्या बदलाव आया है कानून में? गौरव जी, ये बदलाव आया है कानून में, पहले रिप्लाई फाइल करने के लिए कोई सूट फाइल कर रखा है तो 2-2, 3-3 साल तक रिप्लाई नहीं आता था। आजकल जो है विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। विद इन 30 डेज रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते, 30 दिन के अंदर यदि उसका जवाब नहीं दे पाती अपोजिट पार्टी, तो कोर्ट की परमिशन के, कोर्ट की सहमति से उसको 90 दिन के अंदर उसका जवाब जरूर दाखिल करना पड़ेगा। और 90 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो कोर्ट एक तरफा कार्रवाई करके और पहली पार्टी के पक्ष में केस को कर देती है, दूसरी पार्टी का जवाब देने का अधिकार जो है उसको कोर्ट खत्म कर देती है। दूसरा ये है कि आजकल लिटिगेंट भी थोड़ा सा जागरूक हुआ है, वो अपने वकील से बैठ के काम करवाते हैं, जिस डेट पे जो काम होता है 2 दिन पहले मिलके उससे बातें करते हैं, वकील साहब से बताते हैं कि जी इस तारीख पे हमारा ये काम होना है, बयान होना है या दूसरी पार्टी का बयान होना है या उस पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, वो तारीख पे करवाते हैं। ऐसा करने से कोई भी केस 2 से 2.5 साल में निपट जाएगा, पहले की तरह 10-12-15 साल नहीं लगते आजकल। चलिए, ये अच्छी बात है कि अब केसेस जो हैं वो जल्दी निपट जाते हैं। वैसे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त इतना है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो लीगल पॉइंट में आज के लिए इतना ही, लेकिन लीगल पॉइंट में जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और अपने अधिकारों को जानना, ये आपको बचाए रखता है बहुत सारी परेशानियों से। तो अपने अधिकारों को जानिए, कानून को समझिए, बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।